हेलो फ्रेंड्स, आज का हम जो है 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसका पहले भी काफ़ी कर चुके हैं, जिसमें हमने मैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया था, किस तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल हमने बताया था, थंब रूल जो था, जिसके अंदर हमने मैटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट किया था। और हमने ये भी पता लगने की कोशिश करी थी किस तरह से न्यूटन्स का जो फोर्सेस का नियम था वो मैटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो आज हम जो है इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम जो आज का टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। तो ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का हथेली का नियम है। तो हथेली का नियम हमने ये पढ़ा है कि पहले जो राइट हैंड थंब रूल था फ्लेमिंग्स का, तो राइट हैंड थंब रूल में हमने क्या पढ़ा, थंब्स रूल में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो हमारा फ्लेमिंग के राइट हैंड के थंब रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखते हैं तो आपका जो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है राइट हैंड का, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। जो इस केस में अगर ये ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अगर मान लीजिए करंट जो है किसी ऐसे सर्किट में फ्लो कर रही है जो कि एक सर्कुलर है, स्ट्रेट नहीं है। जैसे इस केस में तो आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर था, लेकिन अगर मान लीजिए कंडक्टर जो है एक सर्कुलर पाथ में है, यानी कि वृत्ताकार अगर स्थिति में है। मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है जो इस तरह से शेप है उसकी, या इस तरह की शेप में है, और उस पर कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, राइट, या करंट मान लीजिए इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो आता है फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल आता है, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त का हथेली का नियम आता है। तो ये कहता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जा चुका है कि अगर किसी सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम अपनी हथेली को, अपने राइट हैंड की हथेली को उस तरह से रखें जिस तरफ की करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए आपने अपनी हथेली को, मान लीजिए आपके पास ये हथेली है, राइट, इस तरह से रखा है, तो जो थंब होना चाहिए, मान लीजिए ये आपका थंब है, तो थंब की जो डायरेक्शन होनी चाहिए दैट वुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपके पास कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस केस में अगर मैं अपने हथेली को ऐसे रखता हूँ, जैसे इस डायरेक्शन में अगर मैं रखता हूँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऐसे अगर मैं यहाँ हथेली, क्योंकि ऐसे जा रहा है, अपनी हथेली राइट हैंड को इस तरफ से रखता हूँ जैसे करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं हमारे पास जो थंब है इस केस में थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ, राइट, नीचे की तरफ होगा। जैसे अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की तरफ होगा। अब होता यह है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आ रहा है, सिंपली अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम ये बता चुके हैं पहले ही कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है हम उसे सिंपली एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, राइट। तो इसका जो सिंबल होता है वो बी होता है, ब्रेवो, बी फॉर ब्रेवो। तो ये जो बी सिंबल होता है इसको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से बताते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड से बताने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये तो आपके पास मान लीजिए यहाँ से इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ऐसे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर आ रही है तो हम यूँ करके बता सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है या उसके आपसे दूर जा रही है, तो उस केस में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। मान लीजिए आप मैग्नेटिक, जो हमारे पास
लाइन्स ऑफ फोर्सेज है वो एक एरो की तरह आप मान के चलिए, ये कोई एरो है जिसका जो पीछे का हिस्सा है वो इस तरह से है, राइट। तो अगर ये एरो आपकी तरफ आएगा, अभी तो इधर जा रहा है, ये इसका पॉइंटेड एंड है और ये इसका टर्मिनेटिंग एंड है, लास्ट का एंड है, तो इसका ये आपका हेड है, ये आपका टेल है, राइट। तो अगर ये हमारी तरफ आएगा तो आपको नजर आएगा कि ये जो पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंटेड एंड है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो इस तरह से बताया जाएगा, क्योंकि वो इस वाले एंड को बताने की कोशिश करेगा, राइट। उसी तरह से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रही है, यानी कि इसकी कोई एरो इसके अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ये इस केस में ये बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका पॉइंटेड एंड जो है आपको ये डॉट नज़र आएंगे। लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रही है तो उस केस में आपको ये वाला हिस्सा नज़र आना चाहिए, तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि कोई एरो इसके अंदर चला गया, तो हमें क्या नज़र आएगा उस केस में, हमें केवल एरो का एंड नज़र आएगा, फिर टेल नज़र आएगी, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, टूवर्ड्स है, यानी कि मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि अगर मैं अपने आप को ऑब्जर्वर मानता हूँ तो ऑब्जर्वर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन है, जबकि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो अवे डायरेक्टेड अवे, अवे मैंने हमसे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट। तो अब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे किस तरह से, क्योंकि हम दोनों चीज़ पता कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर स्ट्रेट वायर में है जिसमें स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है, या सर्कुलर लूप में, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉयल है, उस केस में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सोलेनॉइड होता है, तो सोलेनॉइड को हम हिंदी में परिनालिका भी कहते हैं, परिनालिका, राइट। तो इसमें होता क्या है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके छोटे 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 वायर को हम लपेट देते हैं और यहाँ जो है आ रहा है। तो हमने क्या करा, एक रॉड टाइप का लिया, उसके चारों तरफ कॉयल को, वायर को घुमा के कर दिया है, तो यहाँ पर हमने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है, इसका ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव, हम पहले बता चुके हैं कि पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, इधर की तरफ आएगा और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होगा, तो ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव से, पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव की तरफ आएगा, राइट। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो समझने से पहले हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर चीज़ है, मान लीजिए सर्कुलर वायर है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। मान लीजिए आपके पास ये सर्कुलर कॉयल है, राइट, जिसमें करंट ऐसे गया और यहाँ से वापस आ, तो अगर इसमें करंट आप दिखाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर करंट क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये एक स्ट्रेट वायर की तरह ही, एक छोटा सा हिस्सा लेंगे तो एक स्ट्रेट वायर की, हालांकि पूरा का पूरा ये गोल है, सर्कुलर है, तो हम बता चुके हैं सर्कुलर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके यहाँ से आएगा अंदर, बाहर से आएगा, राइट, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा होगा कुछ, राइट, कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आ रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है, क्योंकि इस तरह से थंब जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, थंब हमारा इस तरफ अंदर की तरफ है, राइट। लेकिन अगर इस वाले एंड को आप देखें यहाँ पर, तो ये करंट केवल यूँ जा रहा है, तो ये जस्ट एक स्मॉल एलिमेंट है, एक स्ट्रेट लाइवायर की तरह है स्मॉल, तो करंट अगर यूँ जा रहा है तो हमें पता है कि अगर ऐसा है तो उसके चारों एक मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए सर्कुलर, राइट। अगर कोई आपके पास स्ट्रेट वायर है, अगर यूँ करके एक वायर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको पता है करंट की डायरेक्शन क्या कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, हम बता चुके हैं, ऐसे करें तो क्लॉकवाइज होता है, और अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है स्ट्रेट वायर में, तो अब कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि इस तरफ। तो अगर मैं इसको छोटा सा मान लूँ और आपके पास ये नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए ध्यान से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे कर्वेचर, यानी कि इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, सिमिलरली इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सिमिलरली इसके चारों ओर भी बनेगी, इस चारों ओर बनेगी, इस चारों ओर भी बनेगी, इसके चारों ओर भी बनेगी, हर जगह छोटे छोटे सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जैसे जैसे ये हम दूर हटते जाएंगे ये सर्कल बड़े होते जाएंगे, राइट, और बिल्कुल सेंटर में सर्कल इतना बड़ा होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा केवल अंदर जाते हुए। ये जो आपके लूप नज़र आ रहा है वो इसी लूप का एक बड़ा हिस्सा है, ये और नज़दीक जाएंगे तो लूप थोड़ा और छोटा हो जाएगा,
फिर यहाँ पहुँच के छोटा हो जाएगा, यहाँ जाके थोड़ा यूँ बड़ा हो जाएगा, यहाँ जाके थोड़ा यूँ बड़ा होगा, यहाँ जाके ऐसे बना होगा, ऐसा होता जा रहा है। तो जब इस जगह पे हो रहा है, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। यहाँ पर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर यहाँ आके स्ट्रेट हो जाता है, राइट। तो यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसकी चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में भी होगा और सेंटर में इस तरह से भी होगा। समझ में आ गया? तो अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास कोई परिनालिका है, सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो आप देखें, मैंने बताया था आपको, मान लीजिए आपके पास यूं करके एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है या परिनालिका है। तो अगर करंट ऐसे जाता है तो यहाँ पर जो है करंट आगे तरफ जा रहा है, आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, सर्कुलर होगी इस तरह से, समझिंग लाइक दैट। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, इनकी डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, राइट। यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन जब वो यहाँ पहुँच जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, करंट यहाँ से जा रहा है और नीचे से पीछे से आके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ ये सर्कुलर हो जाता है, सर्कुलर में हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस तरफ होगा, ऐसी सब जगह ऐसे जा रहा है सर्कुलर, तो बिल्कुल सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड आपके यहाँ से इधर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जा रहा है, जबकि इस केस में उल्टा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, ऊपर से जा रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो जो सेंटर में से जो होंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे जाएगा, समथिंग लाइक दैट, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ नज़दीक आओगे तो ये एक स्ट्रेट वायर की तरह ही है, लेकिन आप देखोगे करंट यूँ जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि करंट इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो करंट बेसिकली यूँ जाता हुआ आपको नजर आएगा, ये स्ट्रेट वायर है। तो यहाँ पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक क्लोज्ड लूप बनाएगा एक स्ट्रेट वायर की तरह। तो जो ऐसे बनता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऊपर से नीचे, देखिए जैसे मेरा हाथ है, यानी कि इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में यूँ करके बनेगा यहाँ से बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, एक लूप की तरह यूँ बनाए, समथिंग लाइक, राइट। और सेम सिचुएशन इधर भी होगा, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं मान के चलूँ इस वाले एंड पे, तो आपको करंट यहाँ जाता नजर आ रहा है, लेकिन इस केस में आपको देखेंगे आप करंट कैसे जाएगा, ऊपर से यूँ, ऐसे यूँ, यहाँ लगेगा कि करंट आपका इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ है तो कैसा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो उस केस में उसी तरफ होगी जिस तरफ से ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकलेगा, ऐसे करके इस तरह से लूप बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेम थिंग हमारे पास यहाँ भी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से अंदर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, दो चीज़ें होंगी, एक तो स्ट्रेट वायर की वजह से और एक सर्कुलर वायर की वजह से करंट। सर्कुलर वायर की वजह से करंट आप यूँ नजर आएगा स्ट्रेट, और जो इसका लूप जो करंट सीधा जा रहा है उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे नजर आएगी, ऐसे घूमती हुई नजर आएगी, राइट। ये समझ में आ गया? तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, एक परिनालिका में या सोलेनॉइड। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, और माइकल फैराडे ने किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा, ये चीज़ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने केवल ये पता करा है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी करंट जो आपके पास किसी वायर में फ्लो हो रहा है या सोलेनॉइड में फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करेंगे वो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।